सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना। पानी की ट्राई गाइस। So, hey guys, welcome back to the new vlog guys. तो यार आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है बहुत दिन बाद अपना घर में स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे को ब्लॉग बना के हो गया है 15-20 दिन हो गया है नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि कुछ इश्यूज था जो कि आज क्लियर करने वाला हूँ। जो भी इश्यूज था आज बताने वाला हूँ कि क्या क्या हुआ था मेरे साथ इन 20 दिनों में, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना और स्किप मत करना, तो तभी पता चल सकता है कि मेरे को क्या हुआ था बोल के, ठीक है गाइस। तो पहले बताते हैं, मेरे को जुलाई 1 या 2 में बुखार हुआ, ठीक है। जो मेडिकल स्टोर होता है, जनरल मेडिकल स्टोर होता है, तो उसमें जाके पूछा तो कुछ खाना है मेडिसिन, वो खाया तो वो मेडिसिन खाया, फिर जाके मेरा तबीयत थोड़ा ठीक हो गया था। फिर और क्या हुआ उसके बाद, कुछ दिन बाद मेरे को बहुत सीरियस होने लगा, मैं वोमिटिंग होने लगा। फिर जाके मैंने अपना कुछ डेंगू वगैरह टेस्ट किया, क्योंकि भुवनेश्वर में ज़्यादा फैल रहा है, तो डॉक्टर बोला कि डेंगू टेस्ट करवाओ। फिर जाके वो भी किया तो नॉर्मल निकला। तो फिर उसके बाद जब जॉन्डिस टेस्ट किए तो उसमें जॉन्डिस आया पॉजिटिव का, तो फिर उसके वजह से मेरा पेट भी दर्द हो रहा था। फिर जाके हम लोग क्या हो गए कि हम लोग चले गए जगदलपुर। तो जगदलपुर गए हम लोग कितना तारीख, 11 तारीख को गए हम लोग जगदलपुर, और 11 तारीख ही मैं एडमिट हो गया। मतलब 11 से 19 तारीख तक 10 दिन तक मैं एडमिट था हॉस्पिटल में, हॉस्पिटलाइज हो गया था गाइस। तो इसीलिए मैं, मेरा तबीयत जो बिगड़ गया था पूरा, इसीलिए वीडियो नहीं आ पा रहा था। क्या ही करता, तबीयत अगर ऐसा हो तो वीडियो कहाँ से बनाता बताओ। मेरे को पहली बार सलाइन चढ़ा है, जीवन में कभी नहीं चढ़ा था, समझ रहे हो। तो गाइस छोटे वक्त से इतना बड़ा हो गया था लेकिन मेरे को एक सलाइन तक नहीं चढ़ा था, लेकिन इस बार चढ़ाना पड़ा, समझ रहे हो। सुबह 8 बजे चढ़ता था सलाइन, रात 10-11 बजे ख़त्म होता था। बहुत सारा डिजीज निकल गया था, एक एक करके बताता हूँ, ठीक है। पहले जॉन्डिस, फिर जाके टाइफॉइड, फिर जाके अल्सर, स्टोमा अल्सर जो होता है वो निकला, स्टोमा अल्सर निकला, फिर जाके लीवर इन्फेक्शन निकला, और ब्लड वोमिटिंग भी होता था गाइस। तो 5-5 डिजीज का शिकार था, इसलिए मैं पूरा एडमिट हो गया था। तो बहुत ही कंडीशन ख़राब था, तो इसलिए बस वीडियो नहीं बना पा रहा था, और वही सीन था कि तबीयत ठीक नहीं था। तो गाइज आज है 25 जुलाई, और आज बना रहा हूँ ये वीडियो, तो आज सुबह बना रहा हूँ, तो शाम को अपलोड कर दूंगा एडिट करके, कि आपको पता लग जाएगी क्यों वीडियो नहीं आ रहा था बोल के। तो वैसा कुछ सीन होने वाला है, और हम कल जाने वाले हैं जगदलपुर। जगदलपुर में मैं रहूँगा 1 महीना के लिए, और डॉक्टर ना बहुत सारा चीज़ के लिए मना कर दिया है मेरे को, कि नमक नहीं खा सकते 2 महीने तक, बिना नमक के कैसे खाना होता है मैं जान रहा हूँ। अभी मेरे को पता चल रहा है कि क्या कैसे खाते हैं बोल के, समझ रहे हो। तो वैसा कुछ सीन है, और 6 महीने तक मसाला या फिर मिर्ची हल्दी ये सब मना कर दिया, तो कुछ भी नहीं खा सकते, ठीक है। तो वैसा कुछ सीन है, और डॉक्टर ये बोल रहे थे ये सब हुआ क्योंकि बहुत फास्ट फूड हम लोग खाते थे, तो हॉस्टल में रहते थे, जब भी निकल जाते थे तभी खा देते थे, तो वैसा होता था, तो उसी के कारण इतना सफ़र कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो आप भी सुधर जाओ। और ये जो मोबाइल पकड़ी है वो मेरी दीदी है, वो हंस रही है, तो कोई बात नहीं, हंसने दो, अपना दिन आएगा 6 महीने बाद तो खाने ही वाले हैं, ठीक है। फिलहाल मैं घर में हूँ, दे दो। फिलहाल गाइज मैं घर में हूँ, ये देख रहे हो, और ये दीदी शूट कर रही थी। और आज ना मौसम बहुत ही खतरनाक है, एकदम बारिश का मौसम है, ये देख रहे हो। तो वैसा कुछ सीन होने वाला है गाइस, और हम कल जाने वाले हैं जगदलपुर फिर से, क्योंकि वहाँ पे दीदी के घर में मैं रुकूंगा, और दीदी के घर में अच्छा खाना पीना मतलब मेंटेन हो सकता है, उधर दीदी रहेगी तो दीदी खुद बना के दे सकती है मेरे को क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सब बॉइल्ड चीज़ खाना पड़ रहा है, तो उसी के लिए उधर रहने वाला हूँ मैं। और कल जाएंगे हम लोग जगदलपुर, जगदलपुर का ब्लॉग देखना गाइस, ठीक है। और कल बनाएंगे ब्लॉग, और उसको भी देखना और इसको भी देखना, ठीक है गाइस। तो ये वाला जो ब्लॉग बनाने का कारण था गाइस, कि आप लोग को पता चल जाएगी क्या क्या हुआ था मेरे साथ। तो यहीं तक था आज का ब्लॉग, आपको बस इन्फॉर्म करना था, और कल हम जाएंगे जगदलपुर गाइस, और बढ़िया सा एकदम मस्त सा ब्लॉग बनाएंगे और आपको एंटरटेन करेंगे एज यूजल, क्योंकि जैसे हम लोग करते थे पहले वैसे ही करेंगे, मस्त ब्लॉग बनाएंगे और बहुत कुछ शेयर करेंगे गाइस।
और आपको एंटरटेन करेंगे, ठीक है गाइस। तो बने रहो ब्लॉग में और देखते रहना और सब्सक्राइब कर दिया करो यार, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, मतलब कल, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए टाटा गाइस।